Hello everyone, I am an English player. So welcome back to my YouTube channel. So guys, today I would like to discuss about future. So before starting this video, please like, subscribe, share and watch the video till then. So guys, आज मैं आप लोगों को will be के बारे में पढ़ाऊंगा. Special use of will be in future. So friends, इसकी जो पहचान है यहाँ पे will be की, एट द एंड ऑफ सेंटेंस होगा, होगी, होंगे, होंगा या होंगी. फॉर एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, कि वह घर पर होगी. कब होगी? फ्यूचर में. वह 2 महीने बाद 15 साल की होगी. वह स्कूल में होगी. मेरा दोस्त अमीर होगा. मेरा भाई मुंबई में होगा. वे देहरादून में होंगे. सो फ्रेंड, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे. सो फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग भी कॉपी पेन लीजिए और जो भी चीज मैं आपको पढ़ाता हूं, समझाता हूं, आप लोग भी नोट डाउन कीजिए. राइट फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है नोट में, विदाउट यूजिंग एनी वर्ब. यहां पे कोई भी वर्ब नहीं आई, लाइक गो और कम. मीन्स नो एक्शन, नो नीड टू एनी एक्शन. राइट फ्रेंड? सो फ्रेंड्स, मैंने यहां पे एक पिक्चर बनाई है और यहाँ पे एक बॉय प्रेजेंट टाइम में खड़ा है और फ्यूचर के बारे में सोच रहा है. प्रेजेंट टाइम में खड़ा है और फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि मेरा भाई डॉक्टर होगा. मींस एक पोजीशन की बात कर रहा है कि मेरा भाई डॉक्टर होगा, मेरा छोटा भाई टीचर होगा, मेरी बहन स्कूल में होगी. मींस लोकेशन की बात कर रहा है, राइट, कि मेरी मम्मी इस समय मार्केट में होगी. सो फ्रेंड्स, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं. पहला एग्जांपल है यहां पे, सॉरी, सब्जेक्ट सूत्र है, सब्जेक्ट फॉर्मेट विल बी ऑब्जेक्ट. सो फ्रेंड्स, विल बी के बाद डायरेक्ट आप वो पोजिशन या लोकेशन या ऑब्जेक्ट मीन्स अदर वर्ड्स का यूज करेंगे. फाइन, ओके. नाउ वह बस स्टेशन पर होगा. मींस ही विल बी एट बस स्टॉप. ही विल बी एट बस स्टॉप. वह बस स्टेशन पर होगा. सी विल बी इन द मार्केट. वह मार्केट में होगी. ही विल 15 years next month. वो अगले महीने 15 साल का होगा. Next example है friends, यहाँ पे मेरा दोस्त 4 महीने बाद अमीर होगा. My friend will be rich after 4 months. Right? Next example है यहाँ पे वह एक अध्यापक होगा. ही विल बी ए टीचर. सी विल बी ए गुड सिंगर. दे विल बी ए गुड प्लेयर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स यहां पे वह हमारे साथ होगी. सी विल बी विद अस. सो फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पे हमें कोई भी वर्ब यूज नहीं करनी है. विदाउट यूजिंग एनी वर्ब मींस आई विल बी विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूंगा. सी विल बी विद अस. दे विल बी इन द मार्केट. माय मदर विल बी इन कॉलेज. राइट? राम विल बी इन द देहरादून या इन देहरादून. सी विल बी इन मुंबई. राइट फ्रेंड्स? एंड ही विल बी पुअर. वह गरीब होगा. एंड सी विल बी गुड डॉक्टर. सो फ्रेंड्स, होपिंग यू ऑल आर गेटिंग. सो फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं. सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड वॉच द वीडियो टिल देन. जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. उसी के बगल में बेल आइकन, उसे जरूर दबाइएगा. जो भी नई वीडियो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, nice meeting to you. Thank you. Bye. Take care.